Welcome back to my YouTube channel. So, आज की video is a Q&A video. So, recently मैंने अपने एक community post में post किया था about Q&A video, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपके जो भी questions हैं regarding anything, you can ask me there. So, आज की इस video में मैं उन्हीं questions के answers दूंगी. However, कुछ ज़्यादा questions मेरे पास नहीं आए थे and all because I do not have such a wide audience. But still, जो भी questions आए हैं, I'll answer them all in this video. So, without taking much time, let's get into the video. So, जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है दैट इज आप कहाँ से हो. तो गाइज मैं बिलोंग करती हूँ श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन से विच इज इन उत्तर प्रदेश एंड करेंटली मैं अपना BMS की डिग्री परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून से. सो द सेकेंड क्वेश्चन हेयर इज कि आप किस ईयर में हो. सो बेसिकली मेरे अभी BMS फर्स्ट प्रॉफ के एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं. सो आई एम टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई फर्स्ट प्रॉफ ऑफ BMS एंड उसके बाद आई विल बी इन सेकेंड ईयर. थर्ड क्वेश्चन मेरे पास ये आया है कि BMS फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स में पास कैसे हूँ. सो यार गाइस मैंने तो अभी खुद यूनिवर्सिटी एग्जाम्स नहीं दिए हैं. सो अभी तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिला है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देने वाला. हाउएवर मिल जाएगा तो जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं BMS के जो भी मेरे जूनियर्स हैं मैं उनके लिए ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी कि BMS फर्स्ट ईयर में पास कैसे होना चाहिए. व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी दैट यू शुड फॉलो टू एटलीस्ट पास इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस. हाउएवर अभी मैं बस ये कह सकती हूँ कि आप अपने जो भी सब्जेक्ट हैं उसके रेगुलर नोट्स बनाओ, नोट से पढ़ो एंड कंसिस्टेंसी इज द की. आप कोई भी कोर्स कर रहे हो इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट यू वॉन्ट बी एबल टू कैच द सिलेबस. सो आई सजेस्ट कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देकर पढ़ाई करो और अपने नोट्स भी प्रॉपरली बनाओ सो दैट आपको एग्जाम से जस्ट पहले सारी बुक्स ना छाननी पड़े, आपके पास एक जगह पर कंसाइज फॉर्म में सारा कंटेंट हो. So the next question is that is BMS really tough? Can we pass it or excel in it? So BMS tough है या नहीं है ये depend करता है from person to person. हर किसी की capacity to learn things is different and what sort of things they learn faster is different. Honestly BMS में आपको तीन languages से deal करना पड़ता है, English, Hindi and Sanskrit. तो अगर आप संस्कृत में अच्छे नहीं हो, क्योंकि generally क्या होता है starting में सब बच्चों को संस्कृत में ही दिक्कत आती है, सो वहाँ पर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो. हाउएवर इतना कुछ टफ नहीं है BMS की संस्कृत में, बस कुछ श्लोक होते हैं बेसिक से जो आपको याद करने पड़ते हैं और संस्कृत सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही है. सो या दैट कुड बी टफ एंड ऑल्सो यहाँ पर MBBS की तरह सिर्फ मॉडर्न नहीं है, आपको यहाँ आयुर्वेदिक एस्पेक्ट भी पढ़ना पड़ता है. सो आयुर्वेद एंड मॉडर्न दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है. सो दैट कुड बी अ टास्क एज वेल. मैं टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मुझे BMS में एज सच अभी तक कुछ इतना टफ नहीं लगा, इतना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगा. It's average, you can easily pass it or excel in it if you study consistently. I say this again that consistency is the key. So ek question mere paas bahut weird aaya hai, I don't know how to answer it and what to answer about it, which is BMS doctor versus banking job which is better. I mean I don't know how to establish a correlation between BMS and banking job. I mean BMS is a medical profession and banking job is entirely different from it. I don't know on what basis you are asking me this, but okay, so I have zero knowledge about banking job. I don't know how much you get to earn in it. So yeah. So the next question is what is your age? You are asking age from a girl. Well, I don't feel shy about revealing my age at this public platform. So I am 22 years old and will be of 23 next year in January. So yeah. So the next question is, which is my most favorite question, which is that how do you see yourself in next 5 years apart from being a doctor? So doctor बनना तो तय है, BMS में admission ले लिया है, white coat पहन लिया है, पढ़ भी रहे हैं तो doctor तो बन ही जाएंगे. So apart from being a doctor, as you can see here मैं यहाँ पर हूँ, YouTube पर हूँ, तो मैं obviously चाहती हूँ कि मेरा YouTube channel grow करे और मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनूँ, इस प्लेटफॉर्म से कुछ पॉजिटिव आउटकम लेकर जाऊँ. सो येस अपार्ट फ्रॉम बींग अ डॉक्टर आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ स्टैब्लिश्ड एंड अ सक्सेसफुल यूट्यूबर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर सो मच लाइक मिताली शर्मा, डू यू वॉच हर? सो येस गाइज आई नो हु मिताली शर्मा इज. सो शी इज अ मेडिको एंड अ पार्ट टाइम यूट्यूबर एंड शी इज परस्यूइंग हर MBBS डिग्री फ्रॉम MAMC दिल्ली. आई यूज़ टू वॉच हर ब्लॉग एज अ नीट एस्पिरेंट. जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर करी थी तब मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, उनको देखती थी दैट हाउ शी इज़ हैंडलिंग एवरी थिंग. आई मीन शी इज़ हैंडलिंग अ मेडिकल लाइफ,
her YouTube, her Instagram so perfectly. So I was very much inspired by her. And today when I get such a comment that your videos are so much like her, so I feel very special about it somewhere. However, I feel like she's doing great in her field and I'm incomparable to her because she's much, much above me. Maybe in future I'll be able to reach that level. Maybe in future I'll be able to be as successful as she is on YouTube. So yes. So this was it guys. So ये कुछ questions थे जो आए थे मेरे पास on my Q&A post. I hope कि मैंने जिन जिन लोगों के questions का answer किया है it was helpful. I hope you found your answer in my question. If you liked it then please इस video को like कर देना and channel को please subscribe कर देना because your one subscribe means a lot to me. Thank you so much for staying till the end. Bye bye.